अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। आज की मैं न्यू वीडियो के साथ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैनवा कैसे क्रिएट करना है, कैनवा पर कैसे आपने लॉगिन करना है, कैनवा कहाँ से डाउनलोड करना है, कैनवा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आप मेरे टेक इन्फो पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके आल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का मज़ीद नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैनवा डाउनलोड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है इसकी कैनवा की अपनी एप्लीकेशन से, ठीक है। यहाँ से ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इधर से मैं यहाँ से कैनवा खोल लेता हूँ। कुछ टाइम लोडिंग लेगा, यहाँ आपके पास आएगा वेलकम टू द कैनवा ऐप, ठीक है। ये यहाँ आपको पास लॉगिन का ऑप्शन देगा या कंटिन्यू इन ओपन टैब में चले जाना, ठीक है। यहाँ से आपने लॉगिन ट्रांसफ़र पे जाके यहाँ इसे बड़ा कर लेते हैं साइज, ठीक है। यहाँ लिखा है लॉगिन, अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं अकाउंट तो न्यू अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू एंड अदर वे मींस के फ़ोन किस पे बनाना चाहते हैं, अगर आप एक कंटिन्यू विद एप्पल आईडी, एप्पल आईडी से बनाना चाहते हैं, कंटिन्यू विद गूगल, गूगल जीमेल से बनाना चाहते हैं, अगर फेसबुक से बनाना चाहते हैं, ईमेल से बनाना चाहते हैं, अगर इधर नंबर का भी ऑप्शन होगा, ईमेल एल लॉग इन इन विद मोबाइल नंबर, ठीक है। ऑलरेडी से मेरा क्रिएट है, यहाँ से मैं लॉग इन करूँगा। लॉग इन करने के बाद गूगल पे क्लिक करूँगा। गूगल क्रिएट पे करने के बाद यहाँ से मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ। मेरे पास ये पॉपअप, मैं मोबाइल से अपने यस करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा यस। ये देखें, अब यहाँ कह रहा है यस। अगर आप डिफरेंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, अगर आप इसी को ईमेल पे खोलना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें। ओपन कैनवा, कैनवा एप्लीकेशन, ये ओपन से रिडायरेक्ट एप्लीकेशन में आ जाएगी, देख लें। ये देखें मेरी ईमेल यहाँ पर्सनल खुल गई है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके आल पे क्लिक कर दें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।